أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे एक विषय पे जो बहुत ही आम है कि अक्सर देखा जाता है कि मेरे मुसलमान भाई जो कि एक कमेंट पास करते हैं वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले इंसान बनो ना कि मुसलमान बनो, ये कमेंट डालते हैं। तो उसी ही के विषय के अंदर आज इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। तो वो भाई बोलते हैं कि सबसे पहले इंसान बनो ना कि मुसलमान बनो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसी पे। तो इंसान जो अच्छा इंसान है वो बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, मतलब क्या क्या खूबी होनी चाहिए वो इसमें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। तो एक अच्छा इंसान होने के लिए उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए कि वो अच्छा इंसान कहला सके। तो सबसे पहले वो इंसान अगर कहलाएगा अच्छा, तो सबसे पहले वो सच बोलने वाला होना चाहिए और माँ बाप की खिदमत करने वाला होना चाहिए और दूसरों का हक ना खाने वाला होना चाहिए, हक बात बोलने वाला होना चाहिए और दूसरों के साथ रहम करने वाला होना चाहिए और हमेशा एक रब की इबादत करने वाला होना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा मददगार होना चाहिए और दूसरों के धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोलने वाला होना चाहिए और जैसे कि ब्याज नहीं खेलने वाला होना चाहिए, शराब नहीं पीने वाला होना चाहिए, बलात्कार करने वाला नहीं होना चाहिए। ये खूबी हम जो मानते हैं पर्टिकुलरली जिसमें खूबी है, मोटा मोटी खूबी है, उसको हम अच्छा इंसान मानते हैं, ठीक है। तो इंसान क्या कहते हैं कि जो भी कमेंट मारते हैं कि पहले इंसान बनो मुसलमान ना बनो, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि ये विषय बहुत ही पेचीदा है, इसको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो ये खूबी मैंने वो बताई कि उनके हिसाब से ये खूबी होनी चाहिए इंसान के अंदर जब ये अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है। तो ये कानून है, मतलब कानून वो फॉलो करते हैं कि ये कानून होगा उसके अंदर तो वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा। तो इसी पर मैं बात करूंगा। तो मान लो कि एक रूल रेगुलेशन है कि इंसान के अंदर ये खूबी होनी चाहिए जब जाके ये क्या है कि अच्छा इंसान बनेगा। तो आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, आप कभी भी कोई मशीनरी खरीदते हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो उसके साथ में एक बुकलेट आती है, आपने कभी गौर नहीं किया उस पर। तो उस बुकलेट पे लिखा होता है कि अगर वो प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो आपको किस तरह रखना चाहिए उसको, और इस तरह रखोगे तो इसकी जो जो लाइफ है जो प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो आपको सेफ्टी करनी है। तो इसके अंदर जैसे कि एक मोबाइल का एक बुकलेट है, ठीक है, तो इसमें लिखा होता है कि ये जो मोबाइल की बुकलेट है इस पर एक सेफ्टी नोट लिखा होता है, उसमें क्या है सब कुछ चीजें लिखी होती है, ये आपको चीज करनी पड़ेगी, इसके अगर आप करोगे ना तो आप क्या है कि आपका मोबाइल है वो ज्यादा बेटर चला पाओगे और कई दिन तक इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज है। तो जो नुकसान होने वाले थे वो इस बुकलेट के अंदर है, अपने इस बुकलेट के अंदर है। तो इस बुकलेट से अगर इसके नियम से हम चलेंगे इंशाल्लाह चलेंगे तो हमारा मोबाइल बच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इंसान है तो उसको नियम चलाने के लिए, उसका जो नियम है उसको चलाने के लिए हर दौर के अंदर एक किताब उतरी, ठीक है। अगर इंसान उस किताब के हिसाब से चले तो वो कभी भी बुरा इंसान नहीं बन सकता, ठीक है, तो वो अच्छा इंसान कहलाया जाएगा। तो ये बात है कि हर दौर के अंदर एक किताब उतरी है, जैसे कि ये अगर बुकलेट है इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे हमारा मोबाइल खराब नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो हमारे पास बुकलेट है यानी कुरान मजीद है ये फुरकान हमीद है, ये कुरान हमीद हमारे पास होगी तो इंशाल्लाह हम बुरे इंसान नहीं बन सकते, हम अच्छा इंसान बनेंगे।
और दूसरी बात कि जैसे कि हमारा कानून है, इंडिया का कानून है कि जो चोरी करता है उसको सजा मिलती है, तो चोरी करने वाले को, चोर को सजा मिलेगी, उसको पता है कि मेरे को सजा मिलने वाली है, लेकिन फिर भी वो नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? वो इसलिए डरता कि जो होगा वह देखा जाएगा, ये उसके माइंड के अंदर रहता है, लेकिन उसको डर नहीं है, यानी वो डर नहीं है इसके इसके इसकी वजह से वो क्या करता है, वो गलत काम करता है। तो इसी तरह इस कुरान के अंदर जो नियम आए हैं, अगर कोई मुसलमान इस अकॉर्डिंग चलेगा, यानी चलेगा और अल्लाह से डरेगा, इंशाल्लाह वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। जैसे कि एक चोर क्या होता है, उसको पता है कि मेरे को सजा मिलेगी पकड़े जाने के बाद में, लेकिन फिर भी वो कुछ चोरी करता रहता है। लेकिन एक इंसान जब तक उसके अंदर अल्लाह का खौफ आएगा, इस कुरान हमीद, फुरकान हमीद, अल्लाह की किताब को पढ़ेगा, उसको अमल लाएगा, जब जाके उसके अंदर ये इंसानियत आएगी, उसको अच्छा इंसान कहलाएगा। तो हर मुसलमान अच्छा इंसान नहीं हो सकता बेशक, क्योंकि क्या हो सकता है उसने ये कुरान मजीद नहीं पढ़ी हो, या हो सकता है उसको अल्लाह खौफ ना हो। और दूसरी बात, मान लो अगर उस चोर को पकड़ा जाए, यानी पकड़ लिया उस चोर को, पकड़ने के बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में उसको ट्रीट किया गया बहुत सख्ती तरीके से, तो वो चोरी छोड़ देगा, क्योंकि उसको खौफ हो जाएगा। किसका खौफ हो जाएगा? कि नहीं, मैं ये करूंगा तो मेरे को पुलिस मारेगी। इसी तरह अगर किसी इंसान के अंदर ये दिल में ये बात आ जाए कि अगर मैं गलत काम करूंगा, इस कुरान हमीद के अंदर बताया गया है कि उसकी सजा बहुत ही भयंकर है, और वो इंसान क्यामत के दिन से डरेगा, मौत के दिन से डरेगा, क्योंकि मौत तो सबको आनी है, तो वो इंसान जब ही डरेगा जब उसको ये कुरान हमीद समझ में आएगी। तो ये तो होगी प्रैक्टिकली बात जो मैंने बता दी। और हर आप एक नोटिस करोगे ना, आप कोई भी मैसेज लीजिए, इवन आपके जो कपड़े लेके आते हो ना, उसके पीछे भी एक वाइट चिट लगी होती है, उसमें भी लिखा होता है कि अगर अपने कपड़े को इस तरह धोओगे या इस तरह सुखाओगे तो इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह हमारे पास में हर दौर के अंदर एक किताब आई है, अगर हम उस हिसाब से चलेंगे, यानी उसके हिसाब से चलेंगे तो हम बुरे इंसान बन ही नहीं सकते। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे रीजन है, आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वो इंसान बुरा इंसान बन ही नहीं सकता जो कुरान हमीद, फुरकान हमीद से चल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई मुसलमान है वो अच्छा इंसान बन सकता है, इवन वो पहले अच्छा ही इंसान ही बनेगा अगर मुसलमान है तो, सच में। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अच्छा इंसान होने के वास्ते उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, कि वो मतलब दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करने वाला होना चाहिए, चोरी करने वाला नहीं होना चाहिए, शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, और दूसरों का हक नहीं खाने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा सच का साथ देने वाला होना चाहिए, और हमेशा दूसरों की इज्जत करने वाला होना चाहिए, और दूसरे के धर्म के बारे में बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए, और जैसे कि किसी गरीब को खाना खिलाने वाला होना चाहिए, मस्किनों का हिफाजत करने वाला होना चाहिए, और किसी भी औरत को मारने वाला नहीं होना चाहिए, और सबकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। ये सारे खूबी अंदर किसी अंदर है। तो जो मेरा भाई कमेंट पास करते हैं कि अच्छा इंसान बनो, उनके हिसाब से ये खूबी है, इंशाल्लाह मैं आपको इससे बेहतर खूबी बताऊंगा जो कुरान हमीद, फुरकान हमीद के अंदर आई है। फुरकान हमीद के अंदर जो हुक्म दिए हैं मुसलमानों को अल्लाह ने, वो अगर वो इंसान कोई फॉलो करेगा, इंशाल्लाह वो सबसे पहले मुसलमान बनेगा और फिर उसके बाद में इंसान बनेगा। क्यों मुसलमान इसलिए बनेगा? क्योंकि उसको अल्लाह का डर होगा। फिर इंसान क्यों बनेगा? क्योंकि अल्लाह का हुक्म बनेगा। अगर अल्लाह का हुक्म बनेगा तो ऑटोमेटिकली इंसान बन जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान हमीद के अंदर फरमाया है, बदजुबानी से बचो, जो सूरह 3 की आयत नंबर 159 है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है, गुस्से को पी जाओ, जो सूरह 3 आयत नंबर 134 नंबर है। फिर दूसरों के साथ में भलाई करो, जो सूरह निसा 4 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 26 है। और घमंड से बचो, सूरह 7 उसकी आयत नंबर 13 है। और दूसरों की गलतियों को माफ करो, 7 की 199 है। लोगों से नरमी से बात करो, 20 की 44 है। अपनी आवाज नीची रखो, यानी धीमी रखो, और 3 की 31 की 19 है। और दूसरी बात है, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ, 49 की 11 नंबर आयत है। वालिदैन के साथ इज्जत और उनकी हुक्म मानो, वो 17 की 23 है। वालिदैन की बेअदबी से बचो और उनके साथ उफ तक ना कहो,
यानी वाले दिन आपको कुछ कहें तो उसके बाद साथ में उस तक नहीं गिना आपको, ये 17 की 23 है। इजाजत के बिना किसी के कमरे में दाखिल ना हो, ये 24 की 58 है। आपस में कर्जे का मामला लिख लिया करो, ये 2 की 182 है। किसी की भी अंधी तकलीफ मत करो, 2 की 170 है। अगर कोई तंगी में तो उसे कर्ज उतारने की रात दो, 2 की 280 है। ब्याज मत खाओ, 2 की 275 है। रिश्वत मत खाओ और वादे को पूरा करो, 2 की 177 है। आपस में भरोसा कायम रखो, 2 की 283 है। सच और झूठ का आपस में मिक्स मत करो, 2 की 42 है। लोगों के बीच में इंसाफ और फैसला करो, 4 की 58 है। इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो, 4 की 135 है। मरने के बाद हर शख्स की दौलत उसके करीबी रिश्तेदारों में बांट दो, 4 की 7 है। औरतों का वसीयत में भी हक है, ये 4 की 7 है। यतीमों का माल नाहक मत खाओ, 4 की 10 है। यतीमों का ख्याल रखो, 2 की 220 है। और एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ, 4 की 29 है। किसी के झगड़े के मामले में लोगों के बीच में सुलह कराओ, ये 4:9 की 9 है। बदगुमानी से बचो, 4:9 की 12 है। गवाही और मत छपाओ, ये 2 की 273 है। एक दूसरे के भेद न टटोला करो और किसी की चुगली मत करो, ये 4:9 की 12 है। अपने माल में से खैरात करो, 57:7 है। मिस्कीन गरीबों को खिलाने का तरगीब दो, यानी उनको मोस्ट मानो, ये 107:3 है। जरूरतमंद को तलाश कर उनकी मदद करनी है, ये 2 की 273 है। कंजूसी और फजूली खर्ची से बचो, 17:29 है। अपनी खैरात लोगों को दिखाने के वास्ते, एहसान जताने के वास्ते बर्बाद मत करो, ये 2 की 264 है। मेहमानों की इज्जत करो, 51:26 है। बेलाई पर खुद अमल करो, फिर उसके बाद दूसरों को हुक्म दो, ये 2 की 44 है। जमीन पर फसाद मत करो, 2 की 60 है। लोगों को मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से मत रोको, 2 की 114 है। सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़े, ये 2 की 190 है। जंग के आदाब का ख्याल रखना, 2 का 191 है। जंग के दौरान पीठ मत फेरो, ये 8 की 15। जैसे कि हमारी कहीं लड़ाई हो जाए दूसरे देश से, तो अगर हमारे हुक्मरान बोले कि आपको लड़ना है तो हमको लड़ना ही है, उसमें पीठ नहीं फेरनी है, ये 8 की 15। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ये 2 की 256 है। सभी पैगंबरों पर ईमान लाओ, ये 2 की 285 है। हालत और महामारी में औरतों के साथ हमलोग ना करो, ये 2 की 222 है। माँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, 2 की 233 है। खबरदार जीना के पास में किस सूरत में नहीं जाना, ये 17 की 32 है। जीना मतलब बलात्कार नहीं करना, उसके साथ में के पास नहीं जाना, ये 17 की 32 है। हुक्म मानो जो तुम्हारे हाकिम है, जो तुम चुनते हो, उनकी खूबी देखा करो, उसके बाद में चुना करो, ये 2 की 247 है। किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालना है, ये 2 की 286 है। इवन कोई जानवर क्यों ना हो, उस पर भी बोझ नहीं डालना है। आपस में फूट मत डालो, ये 3 की 103 है। दुनिया की तकलीफ है ना, जो चमत्कार है घेरी चिंता करो, जैसे कि दिन रात हवा पानी भूकंप ये सारी या बीमारी, इन पे सारा अपने को वो करना चाहिए कि ये क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये 3 की 191। मर्दों और औरतों को अमाल सिला बराबर मिलेगा, यानी जो मर्द नेकी करेगा और जो औरत नेकी करेगी उनका स्वाब उनको बराबर मिलेगा, वो 3 की 195। खून के रिश्तों में शादी मत करो, 4 की 23 है। मर्द परिवार का हुक्मरान है, ये 4 की 34 है। हसद और कंजूसी मत करो, 4 की 37। हसद मत करो, 4 की 54। एक दूसरे को कत्ल मत करो, 4 की 92। खयानत करने वाला को हिमायती मत बनाओ, 4 की 105 है। यानी खयानत जो झूठा है कज़ाब, उसको अपना दोस्त मत बनाओ, उसको हिमायती मत बनाओ, उसके गवाही के लिए उसको मत बुलाओ। गुनाह और जुल्म व ज़्यादती में मदद मत करो, 5:2 है। कोई इंसान कोई फंस रहा बेचारा और आप कोई आपको पैसा दे कि ये पैसे ले ले तो झूठी गवाही दे दे, तो ऐसा भी नहीं करना, ये 5:2 है। नेकी और भलाई में सहयोग करो, नेकी कोई कर रहा है तो उसके अंदर उसको सहयोग करना, ये 5:2 है। अक्सरियत में होना सच्चाई सबूत नहीं, ये 4:16 है। इंसाफ पर कायम रहो, 5:8 है। जुर्म की सजा मिसाली तौर पर दो, 5:38 है। गुनाह और बुराई के आलमियों के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करो, ये 5:63 है। यानी आप कोई बुराई कर रहा है कोई इंसान, तो उसके साथ में लड़ना है यहाँ तक कि अपनी जान चली जाए, ये 5:63 है। मुर्दा जानवर खून सोर का मांस निषेध है।
ये 5 की 3 है। शराब और नशीली दवाएं दवाओं से खबरदार हो, ये 5 की 90। जुआ मत खेलो, 5 की 90। दूसरों के देवताओं को बुरा मत कहो, दूसरों के नॉन मुस्लिम को जितने भी भाई हैं अपने उनको बुरा मत कहो, ना उनके ये देवताओं को बुरा कहो, ये 6 की 108 है। लोगों को धोखा देने के लिए नाप तोल में कमी मत करो, ये 6 की 52 है। खूब खाओ पियो लेकिन हद पार ना करो, यानी कोई खा रहा पी रहा, कोई गरीब पार खड़ा है उसके सामने खा रहा है बेचारा और वो बेचारा आपकी तरफ देख रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ये 7 ही 31 है। मस्जिदों में इबादत के वक्त अच्छे कपड़े पहनो, 7 ही 31 है। जो तुमसे मदद मांगे और हिफाजत की पनाह मांगे तो उसकी मदद करो, उसकी हिफाजत करो, और ये 9 की 36 है। पाकी चुना करो, 9 की 108 है। अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत होना, 12 की 87 है। अज्ञानता और जाहिलता के कारण किए गए बुरे कामों को गुनाह की माफी मांगो, यानी कोई इंसान को पता पड़ गया कि मैंने गलत काम किया है उसकी माफी मांग लो। ऐसे क्या होता है कि कोई अगर चोर कोई चोरी कर ले तो उसके हिसाब से उसको सजा मिल जाती है, तो कोर्ट भी उसे अच्छा मतलब सजा देता है, उसके हिसाब से सजा देता है कि उसने जुर्म कबूल कर लेता है। तो 16 की 119 है। लोगों को अल्लाह की तरफ हिकमत से बुलाओ और नसीहत से बुलाओ, ये 16 की 117 है। कभी किसी इंसान को या नॉन मुस्लिम भाई को इन्वाइट करना मुस्लिम इस्लाम के पढ़ने के लिए तो उसे अच्छी हिकमत की तरफ से बुलाना है, ना कि जोरदस्ती करना है, ना उनके देवी देवताओं को बुरा करना, ये सही नहीं करना अपने को। ये 16 की 125 है। कोई किसी दूसरे का गुनाह बोझ नहीं उठाएगा, 17 की 15 है। मिस्कीनी और गरीबी के डर से अपने बच्चों का दर मत करो, 17 31 है। जिस बात का इलम ना हो उसके पीछे मत पड़ो, ये 17 की 36 है। निराधार व अनजान कामों से परहेज करो, ये 23 की 3 है। हम देखते हैं कि फेसबुक पर आजकल चलता रहता है कि कोई पोस्ट आ गई उसको बिना सोचे समझे ही आगे शेयर कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना। 23 की 3 है। दूसरों के घरों में अगर जाओ तो पहले इजाजत लो या मतलब बेल बजाओ, उसको पूछो कि है या नहीं, उसके बाद में उसके अंदर एंटर करो। ये 24 की 27 है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, 24 की 55 है। जमीन पर आराम और सुकून से चलो, ये 25 की 63 है। अपनी दुनिया जिंदगी को भी अनदेखा मत करो, ये 28 की 77 है। अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, ये 28 की 88 है। समलैंगिकता से बचो, यानी इंसान आदमी आदमी से हम स्त्री कर रहा है या औरत से कर रही है वो भी नहीं करनी है, उसे बचना है। ये 29 ही 29 है। अच्छे कर्मों की नसीहत और बुरे काम की से मना मत करो, अच्छे काम का हुक्म दो और बुरे काम जो कर रहा है उसको रोको, चाहे कोई इवन कोई मुसलमान ही क्यों ना हो। 31 की 17। जमीन पर सखी और अंकार से मत चलो, 31 की 18 है। औरतों पर अपने बनाव सिंगार तक ऊपर से ना करे, ये 33 की 33 है। अल्लाह से भी गुनाह माफ कर देगा सिवाय सिर्क के, 39 की 53 है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, 39 की 53 है। बुराई का जवाब भलाई से दो, ये 41 की 34 है। सलाह से अपना काम अंजाम दो, यानी सलाह लेनी है अपने को, कोई भी अपने बुजुर्ग हैं या भाई हैं कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लेना चाहिए, तो सलाह के बिना कुछ भी नहीं है। जो 42 की 38 है। तुमसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई इख्तियार की। इज्जतदार वाला कौन है अल्लाह की नजरों में? वो है जो अल्लाह के हुक्म माना या अल्लाह ने जो हुक्म बताए हैं कुरान में और भी हुक्म है वो माने, तो वो ही ईमानदार है, वो इज्जतदार है, यानी भलाई इख्तियार कर ले। ये 29 का 63 है। दीन में रहबी नियत मौजूद नहीं, ये 57 की 27 है। अल्लाह के यहाँ इल्म वालों का दर्जात बुलंद है, ये 58 की 11 है। गैर मुस्लिम के साथ उचित व्यवहार करना है और उनके साथ दयालुता रहनी है और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना है, ये 60 की 8 है। इवन आपका कोई पड़ोसी है अगर गैर मुस्लिम है उसको खाना देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ये 60, उनको इन्वाइट भी करना चाहिए, उनके जाने भी चाहिए, ये 60 की 8 है। अपने आप के नफ्स की पैरवी मत करो, ये 64 की 16 है। और अल्लाह से माफी मांगो और माफ करने वाला बेशक अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है। अगर ये जो हुक्म मैंने बताए हैं कुरान हमीद के फुरकान हमीद के, ये जो मैंने हुक्म बताए हैं कुरान हमीद के, अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छे मुसलमान बनेंगे, उसके बाद में अच्छे इंसान ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।